नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ रविंद्र कुमार फैसिलिटी बागपत से। आज हम जो आए, आज का मेन मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृक्षारोपण महाकुंभ 2019 का आज बहुत बड़ा एक पर्व मनाया गया है। हमारे ज़िले में लगभग 9 लाख जो पौधारोपण किए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बताया जाता है कि बागपत जिला भी डार्क जोन में आ चुका है। आने वाले समय में अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पानी की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं, बागपत इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन से हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं, उनका किस प्रकार का इस अभियान में सहयोग रहा है। बागपत इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, बागपत जिले से अध्यक्ष जी। मैं इंडस्ट्रियल एरिया का अध्यक्ष हूँ बागपत का। तो सर, आज क्या अभियान चला है? क्या आज जो भारत हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चला रखा था वृक्षारोपण का, वो हमारे इंडस्ट्रीज एरिया में भी आज 9000 पेड़ हमने अपने यहाँ लगवाए हैं। बाकी पूरे बागपत ज़िले में 9 लाख पेड़ लगने हैं। हमारे यहाँ आकर के DM ने खुद हमारे वृक्षारोपण किया, हमारी पूरी एसोसिएशन ने उसका पूरा वो किया है, हमारे सब साथी साथ हैं। और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि सरकार की तरफ से जो भी प्रदेश में जो भी किस तरह का हो जाएगा, हम जो है उद्योग बंधु जितने भी यहाँ हैं बागपत इंडस्ट्री एरिया के, वो सब सरकार के साथ रहेंगे। उससे हमें भी फायदा होगा, हमारी जनता को फायदा होगा। गवर्नमेंट से हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे हमसे संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो हमारे यहाँ अच्छी सुनवाई करें, देख रेख करें, ताकि और बाहर से उद्योगपति आकर के यहाँ बसें। उससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, यहाँ की जनता को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे ही अब भारत सरकार ने जो यहाँ जब से बागपत से दिल्ली से और यमुनोत्री तक का ये हाईवे बनाया बागपत का जी, तब से यहाँ को हर बंदा आने के लिए इच्छुक है। जब से BJP गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ से प्लान कर गया। पहले यहाँ चलता था लठवारों का धंधा, साइकिल पर चलते हुए लूटने ही चले, आज कोई मिलता ही नहीं। आज यहाँ एक साल के अंदर बागपत इंडस्ट्रीज एरिया में दिल्ली से कभी करीब 40 उद्योगपति यहाँ आए हैं, और वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ अच्छा लग रहा है। आगे भी हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना रहेगी कि आगे भी इस उद्योग को बढ़ावा दें, जो आ रहे हैं उनको संतुष्टि मिले। उसके बाद में सरकार से फिर ये उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हाईवे पर और उद्योग के लिए ज़मीन अलाट करके और उद्योगपतियों को दें। बाकी हमारे साथ में हमारे अच्छा सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इतने बड़े स्तर से आज वृक्षारोपण किया गया, क्यों जरूरत पड़ी है इस वृक्षारोपण की? इसका आज के उसमें 5 साल के बच्चे से पूछ लो, वो बता देगा। हर चीज़ की कमी है, पानी की तो कमी होती जा रही है, वृक्ष कम हुए हैं, पानी की कमी हो रही है। आगे ये चल रहा, आगे चल भी रहा कि आगे पता नहीं क्या होगा। अगर ये वृक्षारोपण, हमारे पहले खेतों में हर खेत के अंदर पेड़ होते थे, बाग होते थे, जमीन के रेट बढ़ते थे, लोगों ने बाग काटने शुरू कर दिए, पेड़ पौधे उठाने शुरू कर दिए। आज हम लोगों की देहात में भी हालत ये है कि इसी के आंगन में एक पेड़ दिखाई नहीं देता। अब उस परेशानी को देखते हुए लोग बाग खुद कहते हैं, हम तो यहाँ रेगिस्तान में आ गए, खुद पेड़ लगा रहे हैं, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वो दिया है तो और उसकी तरफ को भग रहे हैं। और ये हो रहा कि बगैर पेड़ के, बगैर हरियाली के हमारा जीवन खराब है और हम बीमारी के वो बनते जाएंगे शिकार और कुछ नहीं हो पाता। अच्छा, बागपत जिला डार्क जोन में बताया जाता है। हाँ, क्यों डार्क जोन में पहुंचा, क्या एहतियात बरता जाए कि आने वाले समय में किसी बड़ी घटना से बचा जा सके? देखो, ये तो दिल्ली का 100 किलोमीटर का एरिया पूरा खतरनाक एरिया में आ गया जी, ये तो आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। दिल्ली का तो हालत ही बुरा, दिल्ली से सटे हुए जितने भी है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है, हाँ नहीं, और उसी स्थिति स्थिति बनती है पानी से सिर्फ इसीलिए। अभी एक खबर आई थी कि चेन्नई में पानी की व्यवस्था, नीचे पानी सूख गया, तो ये स्थिति यहाँ भी आ सकती है। हमारे उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? उससे बचने के लिए हम अपने यहाँ तालाब जो पुराने थे उनका नवीकरण करें और नए बनाने की सोचें, जो बारिश का पानी उसे इकट्ठा करने की सोचें, उसके लिए हमारा वाटर लेवल ऊपर रहेगा। दूसरे, हमारे यहाँ तो यमुना भी है, पानी जा सकता है, यमुना में पानी नहीं आता,
इसका भी बहुत अच्छा है। मोदी जी ने वो चला है कि जल को हर उसको जो जोड़ा जाए आपस में, नहरी एरिया को हर नदी को जोड़ा जाए। अगर ये होगा और जागरूक जनता जागरूक होगी तो संभव है। सरकार भी नियम लगा देगी कहाँ जब उसका हम पालन नहीं करेंगे तो हम कैसे बचा सकते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया में 9000 जो वृक्ष रोपण किए गए हैं, वृक्ष लगाए गए, उनकी सुरक्षा के लिए एहतियात क्या चीज़ें आएगी सामने, क्योंकि लगाने के बाद तो सुरक्षा नहीं नहीं उसमें हम खुद देखभाल करेंगे। बाकी हमारी UPSIDC ये गवर्नमेंट की वो है संस्था और उसी में ये इंडस्ट्री एरिया लगा हुआ है, उन्होंने अभी हमें आश्वासन दिया है कि हम जो पेड़ यहाँ लगे हुए हैं उनका पालन पोषण करवाएंगे, पानी देंगे, समय पे पानी देंगे और रेख दे भी करेंगे। और हमारा भी बनता है कि हमारे सामने दूसरे हमारे साथियों से भी कहें जो पेड़ हैं इनकी रेख देख करें, तो जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे। सर, आप इंडस्ट्रियल बागपत से जिला अध्यक्ष हो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वेलफेयर के, तो अभी आने वाले समय में अभी देखा आपने 370 धारा हट चुकी है, 35 से हट चुकी है, मोदी जी ने काम किया है, तो वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि कश्मीर को बसाना और इंडस्ट्रियल वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, किस स्थिति में वहाँ पर ये काम किया जाए ताकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल खड़ी हो सके। देखो ये चीज़ की वहाँ पर जो सरकार हमारी चल रही है, मोदी जी, उसके बाद में योगी जी को भी प्रजा से प्यार है, अपने आपे से प्यार नहीं है। मोदी जी को भी प्रजा से प्यार है, अपने आपे से प्यार नहीं है। उनके साथ में जब परिवार में दो बंदे ऐसे हो जाते हैं तो चार बंदे और साथ में लग जाते हैं। जितने भी सरकार में मंत्री हैं, जितने भी उनके सहयोगी हैं, सबकी धारणा उन्हीं के जैसी होगी। उनका वो होते हुए पब्लिक का मन देखते हुए धारा 370 ये गुलामी की निशानी थी हमारे यहाँ कश्मीर में, आज वो आज़ाद हुई है, आज उन्होंने इंडिया में ही शामिल किया है। बाकी कुछ गवर्नमेंट ऐसी थी, कांग्रेस थी, पता नहीं क्या कानून बनाने लगे अपने स्वार्थ के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी हुए, मोती जी नेहरू जी हुए, ये एक उद्योगपति थे, बड़े बहुत अच्छे पैसे वाले थे, ऐसे आराम का वो बना रखा था कि यहाँ किसी का कोई राज नहीं होना चाहिए। आज वो कश्मीर की जनता नहीं, हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वहाँ की 50% जनता मोहम्मडंस है, हमारे यहाँ भी 30% जनता मोहम्मडंस है। हम भी गाँव में जाके पूछते हैं कि कश्मीर में जो हुआ आपका उस पर क्या विचार, कह लगे बहुत अच्छा विचार है, ये हमारी देश की, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अभी तक तो हमारे क्षेत्र बटे हुए थे, कश्मीर में, लद्दाख में, पहले पंजाब में वो हुआ था, तो इन चीज़ों से डरते थे। आज हमें ऐसे लग रहा है कि हमारा पूरा इंडिया, और वो लोग कहते हैं कुछ दिन ऐसी मोदी जी रहे तो शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम मिला लेंगे अपने बीच। अच्छा, मैं कहना चाहता हूँ कि बागपत में आपने नवीनकरण किया, इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल खड़ी की, तो कश्मीर में भी तो जोर चाहिए इस चीज़। भाई वहाँ लोग जाते हुए डरते थे, एक बागपत डिस्ट्रिक्ट भी तुम्हारा ऐसा ही था, यहाँ क्या है, यहाँ बदमाशों से डरते थे। लेकिन अब जब योगी जी यहाँ से आए हैं, अब तो बदमाश खुद जा रहे हैं थाने में, अब हमें अरेस्ट कर लो नहीं तो हमें पुलिस मार देगी, हम तौबा करते हैं कि हम आगे के लिए छोड़ देंगे बुरे कर्म। तो जब उस चीज़ से ऐसे लोग यहाँ से हट जाएंगे तो तुम्हें पता है कि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग हैं तो उनके साथ 10 बदमाश के साथ में जो और परिवार होता है वो पूरा गुजारा नहीं कर पाता, उसमें आधे फंस जाते हैं। एक परिवार में एक बदमाश हो जाए पूरे परिवार को ले डूबता है, पूरे गांव को ले डूबता है, ये धारणा लोगों की बनी हुई है। बदमाश अपने आप प्लान कर रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया कामयाब हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं रात को हमारे यहाँ, आप आके देखिए कोई किस तरह की दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी हमारी इंडस्ट्रीज में आप कहीं भी डोल सकते हैं। तो सर, कश्मीर में इंडस्ट्रियल लगाने का मन है आपका? जब यहाँ हमारी इंडिया का ज़्यादातर परसेंटेज, मैं दिल्ली क्षेत्र का बताऊंगा और भी जितने उद्योगपति हैं जितने भी हैं वहाँ के, सब इच्छुक होंगे वहाँ जाने के लिए। साल में हर बंदा अपने को एक फ्री महसूस करने के लिए ऐसी जगह जाता है, अब वो चीज़ तो बंद हो गई थी, जब गवर्नमेंट ने खोल दिया तो वो लोग सोचेंगे हम यहाँ भी कोई उद्योग लगाएं ताकि हमें यहाँ 6 महीने तो आराम से गर्मी के में यहाँ रह लें, वहाँ के लोगों को गुजारा मिलेगा, इंडस्ट्री एरिया को, हमारे यहाँ का लोगों को राहत मिलेगी और कुछ यहाँ की जनसंख्या घटेगी, कम से कम कुछ भी नहीं 10% तो वहाँ जाने की सोचेंगे, हमारे तो मिलिट्री की जरूरत नहीं रहेगी, हमारी तो मिलिट्री इतनी हो जाएगी, पाकिस्तान ने तो वैसी खा जाएगी।
तो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने काफ़ी चर्चाएँ की वृक्षारोपण पर और धारा 370 पर भी बातें की। जो बागपत इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बातें की और जिद्दाराम भाटी जी से हमने बातें की, उन्होंने हमें काफ़ी जानकारी दी, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात की और वृक्षारोपण को बचाने की भी बात की। और पानी जो जल आज डार्क जोन में जा चुका है हमारा जिला, उससे भी बताया कि किस प्रकार से जल को संशोधन किया जाए, जल को बचाया जाए ताकि आने वाले समय में किसी भयावह स्थिति से बचाया जा सके।